हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, डेटाबेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो लिब्रा डेटाबेस की है। तो आइए लिब्रा डेटाबेस में दो फ्लोट, अच्छा ये फ्लोट नंबर यहां भी होता है, और यहां पर दो फ्लोट नंबर को कैसे डिवाइड कराएंगे ये हम सीखने वाले हैं। तो चलिए लिब्रा डेटाबेस को ओपन करते हैं। तो यहां बेस डेटाबेस नीचे दिया हुआ है, इस पे क्लिक कर दीजिए। यहां पर आपके पास ये विंडो आएगी, यहां से नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा और फिर आपको नो डू नॉट रजिस्टर पे क्लिक करना है, क्योंकि हम अभी इसको रजिस्टर नहीं करने वाले, और फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। यहां पर डेटाबेस टेन बाय डिफॉल्ट नेम आ रहा है, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लाइक मैं यहां पे अपना ही नाम दे देता हूं। तो ये मैंने एक नाम दे दिया इसको और एंटर प्रेस कर देता हूं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहां से क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पे क्लिक करना है, यहां पर आना है। यहां पर पहला फील्ड मैं ले लेता हूं आईडी, ठीक है। फिर दूसरा फील्ड ले लेता हूं नंबर वन, क्योंकि इसी नंबर को तो हमें कराना है डिवाइड। तो यहां पर इस फील्ड को नाम दे दिया नंबर वन और यहां पर कर देता हूं नंबर टू, ठीक है। तो ये कर दिया हमने नंबर टू। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा नीचे फ्लोट। तो इसी फ्लोट को आपको ले लेना है। यहां पर आइए, यहां पर भी हमें फ्लोट डेटा टाइप ही चाहिए, तो यहां पर भी फ्लोट ले लेते हैं, ठीक है। और यहां पर इसको सेव कर देता हूं, तो ये टेबल वन आ रहा है, मैं इसे फ्लोट के ही नाम से सेव कर देता हूं, फ्लोट, ठीक है। अब कह रहा है कि प्राइमरी की आपने असाइन नहीं किया है, तो डरने की कोई बात नहीं है। यहां पर आइए, आईडी हमने फील्ड ले ही रखा है, यहां पर इसे प्राइमरी की बना देते हैं। हम राइट क्लिक करेंगे तो प्राइमरी की का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करते वक्त इसे मैं नाम दे देता हूं डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये नाम दे दिया हमने। अब इसको क्लोज कर देता हूं। यहां पर देख सकते हैं डीबीएमएस के नाम से ये आ चुका है। इसमें कुछ रिकॉर्ड एंटर करवा लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये है वन, यानी आईडी वन है, और यहाँ 34 लिखा मैंने, ये टू लिखा। फिर यहां पर आते हैं आईडी टू लिखते हैं, यहाँ 33 लिखा, यहाँ 5 लिखा। फिर यहाँ आते हैं आईडी थ्री लिखते हैं, यहाँ 21 लिखा और यहाँ पर 5 लिखा, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ पे 21 लिखते हैं, और इसको इस बार हम 2 से डिवाइड कराएंगे। तो कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड हमने लिए हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई भी फ्लोट वाली एंट्री नहीं की है। तो यहाँ पर 22.4 को डिवाइड कराएंगे हम 2.7 से, ठीक है। ये हो गया। और एक और हम फ्लोट वाला रिकॉर्ड ले लेते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ 23.9 है, तो इसको हम डिवाइड करा लेते हैं 2.1 से, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, अब इसको क्लोज करता हूं। तो ये क्लोज कर दिया हमने। अब हमको क्वेरी किस तरह से बनानी है वो समझना है, तो ये क्वेरी पे क्लिक कीजिए, यहां से क्वेरी डिजाइन व्यू पे आ जाइए, और यहां पर देख सकते हैं डीबीएमएस जो आपका टेबल था वो ले लीजिए। हमें इसमें क्या क्या चाहिए, देखिए यहां पर पहले तो इसको बड़ा कर लेता हूं कुछ इस तरीके से, यहां से भी ये देखिए। अब यहां पर आपको केवल नंबर वन और नंबर टू की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं दोनों का तो कैलकुलेशन हम करने वाले हैं, और बाकी इसको नाम दे देते हैं डिव, जहां पर रिजल्ट आएगा उसे नाम दे देते हैं डिवीजन, डिव नहीं बल्कि डिवीजन दे देते हैं। तो ये डिवीजन दे दिया। अब यहां पर क्या करना है आपको, ये नंबर वन लेना है, तो ये डबल डॉट कोट्स में लिखिए नंबर वन, ठीक है। डबल डॉट कोट्स को क्लोज कीजिए अपॉन नंबर टू से इसको डिवाइड कराना है, तो डबल डॉट कोट्स फिर ओपन, फिर यहां लिखिए नंबर टू, तो ये लिख करके ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। यहां पर देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा विड्थ बढ़ा देता हूं इसकी, आपको अच्छे से नजर आएगा। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने दे दिया इसको, और नाम इसको अलियास में दिया हमने डिवीजन, और यहां से इसको सेव करिए। तो सेव करने पे क्वेरी वन के नाम से सेव हो रहा है, मैं फिलहाल क्वेरी वन ही रहने देता हूं और यहां पर आ जाता हूं। तो अब यहां क्वेरी वन पे चलते हैं, आइए देखते हैं डिवीजन। तो यहां पे देख सकते हैं सबका डिवीजन होकर आ चुका है, आप देख सकते हैं डेसिमल डिवीजन भी होकर आया है, और जो होल नंबर दिया था उसका भी होकर आया है। तो फ्लोट देने का ये फायदा है, फ्लोट में आप डेसिमल डिवीजन यानी कि दशमलव वाले डिविजन्स या दशमलव वाले काम अगर आपको करने हैं कैलकुलेशन, तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगेगी, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।